रोशनी दिखेगी। मीन्स रेस्टोरेंट जो होते हैं उसमें अंदर बैठने के लिए तो क्रिक के पूरे दुबई एरिया में घूम रहे हैं, इस क्रिक के उस तरफ दे रहा है, जो उस तरफ हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत है, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वॉकिंग एंड इफ यू गेट टाइम की जाती है। और जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, बाहर भी सिटिंग अरेंज, यहाँ पे आपको दिख रहा है अंदर इस तरीके की जो मशीन है, ये तो आप लोगों ने काफी बार देखी होगी अपने घरों में अपनी मम्मी के पास। आप यहाँ पे, मैं बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें हम अपने अल सीफ दुबई क्रिक के पार्ट टू की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बोटिंग कर रहे हैं और हम वॉकिंग कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग कितनी काम एंड यू नो ऐसा भीनी भीनी सी लाइट है और कोई भी कॉर्नर में अंधेरा नहीं है। कितना अच्छा लाइटिंग सिस्टम है यहाँ पर, बीच बीच में पेड़ भी यहाँ पर उगाए हुए हैं ताकि यू नो ग्रीनरी भी मेंटेन रहे और शेडो का भी काम होता है। इस वक्त आपको ये थोड़ा सा खाली इसलिए दिखेगा क्योंकि हम थोड़ा 10:30 इन द नाइट यहाँ पर घूम रहे हैं, तो इस वक्त तक जो भीड़ है थोड़ी सी कम हो गई है। और ये वीक डेज की वीडियो है, अगर हम वीकेंड पे आएंगे तो 11 o'clock तक भी लोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी लोग दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ना ये जो यहाँ इनकी जो लाइट्स हैं, आप कहीं भी किसी भी एरिया से निकलेंगे, मतलब कि काफ़ी वॉकिंग एरिया है एक तरफ से दूसरी तरफ से या बीच में से निकलेंगे, कहीं भी आपको डार्कनेस नहीं दिखेगी, हर जगह रोशनी, हल्की हल्की रोशनी, कंसिस्टेंट रोशनी दिखेगी। जो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे कि इस वक्त हम जिधर घूम रहे हैं ये गुरदुबई एरिया है, क्रीक के दो तरफ, एक तरफ गुरदुबई और दूसरी तरफ डेरा है। तो जो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं वो तो यहाँ पर आफ्टर डिनर वॉक करने वैसे भी आ जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत मात्रा में आते हैं, वो दिन में भी आते हैं और शाम में भी आते हैं और यहाँ बैठकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड इंजॉय करते हैं और अपने लिए बहुत सारे मेमोरेबल शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग के लिए शॉप्स होती हैं, जो इस वक्त अभी कुछ शॉप्स तो ओपन हैं और कुछ बंद हो चुकी हैं। जब हम आगे जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से यहाँ पर शॉप्स होती हैं, और रेस्टोरेंट्स भी इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से रेस्टोरेंट्स में सीटिंग का अरेंजमेंट होता है। सीटिंग का अरेंजमेंट मीन्स रेस्टोरेंट जो होते हैं उसमें अंदर बैठने के लिए तो अरेंजमेंट होता ही है अगर आपको इंडोर ईटिंग करनी है, लेकिन अगर आपको बाहर का भी यू नो एनवायरनमेंट इंजॉय करना है, आपको क्रीक साइड बैठ के खाना है, देखना है क्रीक, तो आपके रेस्टोरेंट्स के बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो आप आगे आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी बोट है, कितना अच्छा लग रहा है ना देख के इसे। इस वक्त हम क्रिक के बुर दुबई एरिया में घूम रहे हैं, इस क्रिक के उस तरफ डेरा है, जो उस तरफ हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो डेरा में। अगेन देखिए ट्रीज, कितने सारे ट्रीज भी बीच बीच में लगाए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत है, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वॉकिंग एंड इफ यू गेट टायर्ड सो यू, और अगर आप बैठ के अगर आपको देखना है सामने तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी है यहाँ पर।
आपने एक बात गौर करी, अभी हम रात को 10:30 बजे यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ पे क्लीनलीनेस कितने अच्छे से मेंटेन की जाती है। और जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, बाहर भी सीटिंग अरेंजमेंट होता है, आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट के बाहर भी सीटिंग अरेंजमेंट है, और अगर आपको इंडोर खाना है तो अंदर भी सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सामने चौकीदानी रेस्टोरेंट है, जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है, और चौकीदानी के ग्राउंड फ्लोर पर आपको रेडीमेड आइटम्स की शॉप है, जैसे कि अगर आपको नमकीन लेनी है, या अगर आपको बूंदी रायता की बूंदी लेनी है, या बहुत सारे आइटम, जैसे कि मैं अंदर गई थी तो कुछ पतंजलि के आइटम्स थे, और कुछ जैसे रेडीमेड फूड हैं जो आपको सिर्फ माइक्रोवेव करने और खाने, इस तरीके की शॉप थी। और ऊपर की तरफ रेस्टोरेंट है, और पीछे की तरफ भी सिटिंग अरेंजमेंट है फॉर रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग। दिस इज चौकीदानी। एज आई टोल्ड यू, ये क्लोजिंग टाइम है, कुछ शॉप्स बंद हो चुकी हैं और कुछ शॉप बंद हो रही हैं। ये जैसे एक आउटसाइड शॉप है, इसी तरीके से जो ये जो हाउस है, यानी कि ये जो आपको डोर दिख रहा है, इसके अंदर भी शॉप है। इस वक्त आपको बाहर से शॉप दिख रही है, ये जो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, ये कपड़ों की शॉप है अगर आपको कुछ खरीदना है, और इसी तरीके से एक अंदर भी शॉप है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अंदर, चौकीदानी रेस्टोरेंट जो उस तरफ स्टार्ट हुआ था वो इस तरफ तक रेस्टोरेंट है। अभी आप आगे जाके देखेंगे तो चौकीदानी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू दिस साइड। और एज आई टोल्ड यू, नीचे तो आपको रेडीमेड आइटम्स बाय करने का एरिया है, और अगर आपको बैठ के खाना है तो ऊपर और पीछे की तरफ एरिया है। जो ऊपर की तरफ एरिया है वहां पर आप बैठकर खा सकते हैं, वो रेस्टोरेंट एरिया है। और इस तरीके से वो जो पीछे का एरिया दिख रहा है, वहां पर भी चौकीदानी का सिटिंग अरेंजमेंट है क्रीक साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है और जो मेंटेनेंस है बहुत हाई लेवल की है। यू नो, आपको आप पूरा दिन यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ है, लेकिन शाम तक फिर भी ये जगह काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड मेंटेन्ड है ना। ये कितनी अच्छी नोटिसेबल बात है ना। और ये आप देख सकते हैं ना शेडो एरिया, ये शेडो एरिया जब आप दिन में घूमते हैं, ऑफकोर्स जब आप दिन में घूम रहे हैं तो आप जो है बाहर वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा धूप होती है, तो उस धूप से भी आपको बचने का पूरा अरेंजमेंट होता है। और इस तरफ आगे जाके यहाँ पे एंटीक आइटम्स की शॉप है, देखें आप यहाँ पर सारे एंटीक आइटम्स आपको मिलेंगे।
इस तरीके की ये जो मशीन है ये तो आप लोगों ने काफी बार देखी होगी अपने घरों में अपनी मम्मी के पास। और इस तरफ ये म्यूजियम ऑफ इल्यूशन है जहाँ मैं अब तक जा नहीं पाई हूँ। कभी मुझे मौका मिलेगा मैं उस तरफ जाऊंगी तो म्यूजियम ऑफ इल्यूशन भी आपको दिखाऊंगी। आप यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, और अगर जैसे कि आपको कुछ ड्रिंक्स में चाहिए तो नारियल पानी भी मिलेगा और कॉफी शॉप भी मिलेगी जैसे कि स्टारबक्स। तो यहाँ पर लोग अपनी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, अपने सैंडविचेस, अपने बर्गर, अपने फूड, जिस भी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना है, जो भी खाना है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ आइटम्स इस तरीके के, जैसे कुछ बैग्स हैं यहाँ पर, और कुछ आइटम डेकोरेटिव आइटम्स की शॉप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू बाय देम यू कैन बाय फ्रॉम हियर। कितने ब्यूटीफुल आइटम्स हैं ना ये। सो इफ यू वांट टू बाय देम एंड यू नो यू वांट टू पुट देम इन योर ड्राइंग रूम, सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे रखा हुआ। एक साइकिल है, जैसे उसमें कुछ वुडन साइकिल है और उसमें फ्लावर्स रखे हुए हैं एंड यू नो दे आर वेलकमिंग यू। सो ये मुझे बहुत सुंदर लगा यहाँ पर रखा हुआ। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ओपन एयर बैठ के खाने का भी अरेंजमेंट है। और यहाँ पे आप इस तरीके से शॉप्स होती हैं, जैसे कि ये कपड़ों की शॉप है यहाँ पे, एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। पीछे तो क्लोज थी ना, देखिए आप यहाँ इस तरीके से शॉप्स होती हैं जहाँ से आपका जो दिल करे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एंटीक आइटम्स की शॉप थी, जिधर से आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है ना सामने, ये बहुत ही खूबसूरत ताले हैं। कितने सुंदर ताले हैं ना वो। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं जो अगर आप खरीदना चाहते हैं एंटीक आइटम्स, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्लेट्स टंगी हुई है ना, इस तरीके के बर्तन भी यहाँ पर बहुत फैशन में है। मतलब इस इधर इन तरीके के बर्तन की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, और इस तरीके से आउटसाइड शॉप्स में भी ये बहुत सेलिंग में होते हैं। और ये पर्स देखिए कितने खूबसूरत बैग्स हैं ना। अगर आप शादी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इस तरीके से पर्स लेके चलें तो कितने सुंदर लगेंगे।
और बच्चों के लिए फेवरेट कैमल। जब आप वीकेंड्स पे आते हैं तो यहाँ पर इतना इतना मतलब लोग आते हैं, एकदम मतलब बहुत चहल पहल होती है और रौनक होती है यहाँ पर ना, लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंटीक आइटम्स की भी बहुत शॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये ढोल देख के कुछ याद आ रहा है, शादियों में जब ढोल आते हैं, ढोल वाले और बजाते हैं ढोल। यहाँ अंदर भी देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, अंदर बहुत प्रेशियस आइटम्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम्स अवेलेबल होते हैं। और यहाँ आप देखिए झूमर कितने कलरफुल, कितने सुंदर झूमर हैं। मैं भी एक तो ज़रूर ख़रीदने वाली हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ये, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको इसमें छोटा झूमर लेना है या छोटा लैम्प लेना है तो आप बेड साइड लगाना चाहते हैं, ड्राइंग रूम में लगाना चाहते हैं छोटा वाला लैंप, तो वो भी इधर इन शॉप्स में अवेलेबल होता है। यहाँ नीचे देखिए इस तरीके से भी लैंप यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और इस तरीके के बर्तन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एज आई टोल्ड यू, बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर, आप कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक शॉप एंटीक आइटम्स की यहाँ पर भी अवेलेबल थी। अगर आपको कुछ एंटीक आइटम्स यहाँ से भी बाय करने हैं तो आप यहाँ भी आके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जगह एंटीक शॉप्स, एंटीक आइटम की शॉप्स भी अवेलेबल थी। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आता है अपने घर के लिए, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, तो आप यहाँ आकर बाय कर सकते हैं।
तो जब हम आगे जा रहे थे तो मैंने देखा कि जब आप ये शॉप बंद कर रहे हैं यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स, तो ये भी एक बहुत मेहनत का काम है कि किस तरीके से आप देखें यहाँ पे, अभी आप आगे देखेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको मैं यहाँ पे कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स हैं, इस तरीके से ये स्लैब पर एक एक डेकोरेटिव आइटम लगाया हुआ है ना, ये डे टाइम में यहाँ पर एक एक डेकोरेटिव आइटम लगाया जाता है और रात को शॉप बंद करने से पहले एक एक आइटम को उठा के वापस अंदर रखा जाता है, ठीक है। उसको आप अभी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये यहाँ पर और यहाँ ये देखें वो पीछे किस तरीके से एक एक आइटम को अंदर रख रहे हैं। और यहाँ पे ये बर्तन जो है ये बहुत फैशन में होते हैं, तो आप ये देखें ये रैक पे से एक एक आइटम को किस तरीके से ये रात को वापस अंदर रख रहे हैं और सुबह आके इसी तरीके से इनको प्रॉपर ऑर्डर में ये फिर लगाएंगे। तो कितना हार्ड वर्क है यहाँ पर इन चीज़ों का भी कि आप ये देखें कि हर कोई अपनी जो है काम में कितना मेहनत करता है। सिंसेरिटी अपने काम के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कभी भी अपने किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरफ जो आप ये क्रीक देख रहे हैं या इस एरिया से आप यू कैन बाय टिकट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर बोटिंग और अपना यहाँ दुबई क्रीक का टाइम इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा किसी भी काम को आगे बढ़ाना है अगर आपको तो आपको बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना। तो मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने वीडियोस के लिए। तो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज़ टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज टेक योर ग्रेट केयर। और इसी के साथ Bye-bye. Thanks for watching.